कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 9.2 अध्ययनों अनुक्रम तथा श्रेणी। यदि किसी समांतर श्रेणी के एनवे पदों का योगफल 3n² + 5n तथा इसका m वा पद 164 है तो m का मान ज्ञात करो। m के मान को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ जो दिया है वो क्या, एनवे पदों का योगफल क्या दिया है, यहाँ एनवे पदों का योगफल दिया है। एनवे पदों के योगफल को हम एनवे पदों का क्या योगफल SN बराबर इसे 3n² + 5n। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि यदि कौन सा एम वो पद निकालना है, कौन सा पद एम वो पद, तो क्या करेंगे, हम एम पदों के योगफल में से एम पदों के योगफल में से किसको एम ऋण एक पदों के योगफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसका मतलब है SM - 1 इसका गुणा। ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कि एम वो पद कैसे निकलेगा, एम पदों के योगफल में से एम ऋण एक पदों के योगफल को घटा देंगे। एम पदों का योगफल ऋण एम ऋण एक पद, एम पदों का योगफल 3m² + 5m - m ऋण 1 पदों का योगफल 3 (m-1)² + 5m-1 3m² + 5m - (3m-1)² + 5m-1। अब 3m² + 5m को जो कहते हो, यहाँ ऋण का चिन्ह और 3 का गुणा करते हो, लेकिन ऋण गुणित ऋण धन, 3 × 2 कितना 6m, कितना आएगा 3 × 2 = 6m। आगे देखिए, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 × 1 = 3, लेकिन क्या ऋण 3, 5m - sin ऋण 5 ऋण × ऋण = 5। कुछ पद एक दूसरे को पूर्णता घटा देते, जैसे 5m ने 5m को पूर्णता घटा दिया, 3m² ने इसको घटा दिया, तो बचे हुए पद को देखिए तो यहाँ पर क्या 6m, 5 में से 3 को घटाए तो क्या आ गया -2। अब हमारे पास में क्या दिया है, क्योंकि एम वो पद, कौन सा पद, एम वो पद बराबरी से दिया हमारे पास 164, और ये भी एम वो पद है, अर्थात ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं अतः क्या 6m + 2 = 164। 2 का पक्षांतर कर देंगे तो 2 164 में से घट जाएगा, तो क्या जाएगा 6m = 162। 6 का भाग देंगे तो m बराबरी से 162/6, 6 × 2 = 12 और 6 × 7 = 42, अतः m बराबरी से कितना 27, अतः m बराबरी से कितना 27। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।